खबर अमेठी जिले से है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण दीवानी न्यायालय अवरखंड मुसाफिर खाना परिसर जंगल में तब्दील हो गया, जिसके कारण बड़े बड़े घास उगने से जहरीले जीव जंतु परिसर में दिन प्रतिदिन घूमने फिरने लगे हैं, जिससे न्यायालय और क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात कर्मियों अधिवक्ताओं समेत मुवक्किलों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार एसोसिएशन मुसाफिरखाना के पूर्व महासचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बरसात के कारण न्यायालय परिसर के आसपास व क्षेत्राधिकारी कार्यालय मुसाफिरखाना के पीछे जंगली घासों का जमावड़ा लग गया है, जहां जंगली घासों के कारण जहरीले जीव जंतु परिसर में विचरण करते रहते हैं, जिससे खतरे की आशंका बनी रहती है। उन्होंने बताया कि स्थायी तौर पर किसी सफाई कर्मी की भी नियुक्ति नहीं है, जिससे सुव्यवस्थित साफ सफाई कार्य नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर मुसाफिरखाना में तैनात अधिवक्ताओं ने नगर निगम से जल्द से जल्द सफाई कराने की मांग की। ये आप देख लीजिए, इधर जंगली घासें ऐसे बड़ी फैली हुई हैं, इसमें आए दिन सांप बिच्छू और घोंटा ये प्राय निकल करता है, जिससे जो है वादकारियों को और अधिवक्ताओं की जान को खतरा होता है। तो क्या आपने इस संबंध में कहीं शिकायत वगैरह की? इसके बाद अध्यक्ष जी ने वार्ता भी की थी, कहा गया कि जो है यहाँ अस्थायी रूप से जो है सफाई कर्मी नियुक्त होगा, और लेकिन आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, न सफाई कर्मी हुआ न कोई इसकी साफ सफाई कराता है। तो क्या कोई सफाई कर्मी यहाँ नियुक्ति नहीं? सफाई कर्मी नहीं तो है, बाहर की तरफ से कभी कभी जिसको साफ सफाई कराया जाता है, लेकिन पूरा जंगल ये फैला हुआ आप चारों तरफ देख सकते हैं। तो क्या चाहते हैं आप अधिवक्तागण, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ एक परमानेंट सफाई की कर्मी की व्यवस्था हो, और जो इसको साफ सफाई करके जो घास वगैरह है इसको स्वच्छ रखें, और जिससे कि जो है वादकारियों को और अधिवक्ताओं के जान माल को सुरक्षा रहे।